होगे ना स्कूल में, तो एक चीज क्लियर कर लो, आप हिंदू राष्ट्र में ही पैदा हुए थे और हिंदू राष्ट्र में ही रह रहे हो। खतरा है? हाँ जी, मुस्लिम से। सुदर्शन एक चैनल मत समझना, ये भगवान कृष्ण का सुदर्शन है, जब चलेगा तो बेदाइमियों के पाखंडी वो है जो मूर्ति पूजा करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो में जिसको देख रहे हो वो गुरुकुल के स्टूडेंट है। इन्हें नहीं पता है कि किस लिए यहाँ पर ये लोग आए हैं। इनको सवाल पूछने पर ये बताते हैं कि मुसलमान से देश को खतरा है। जंतर मंतर में इन्हें जानबूझकर बुलाया गया क्योंकि सुरेश चौहान के सपोर्ट में ये लोग खड़े हो सके। देश को पाखंडियों से खतरा है। और कौन है, नाम बताइए। पाखंडी वो है जो मूर्ति पूजा करते हैं। ऐसा लग रहा है कि इन बच्चे को ट्रेनिंग तक नहीं दी गई कि किस सवाल का क्या जवाब देना है, और इनको ये भी नहीं पता कि इन्हें जंतर मंतर पे क्यों बुलाया है। जो संत, जो ऋषि मुनि, जो पहले जो सिद्धि और साधना के द्वारा जो मन की विचारों को समझ लेते थे, उसको क्या आप पाखंड बता रहे हैं? पाखंड किस प्रकार का पाखंड फैला रहे हैं? कहां भी आबादियों में कहां घिरे रहते हैं? विवाद तो पैदा किया जा रहा है ना, विवाद में कहा, वो क्या बोल दे रहे हैं? वो जब इस्लाम की सच्चाई को बता रहे हैं जो कुरान में लिखा हुआ है, तो ये क्या विवाद हो सकता है क्या? हाँ, तो साधना है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, उनके फेसबुकिया साधु है, समाज को लड़ा रहे हैं। तीन नहीं, सच्चाई रख रहे हैं, कुरान में जो लिखा है उसी बात को रख रहे हैं ना, तो लड़ाने का क्या काम कर रहे हैं? ये तो मूर्ख। पहली बात तो कुरान और हदीस में क्या लिखा है ये लोग मीडिया पर क्यों बोलते हैं? अगर इन्हें कुरान और हदीस के बारे में पूछताछ करना है तो मुस्लिम स्कॉलर के साथ क्यों नहीं बैठते? किसकी माँ ने ऐसा लाल जना जो सुदर्शन के चैनल के मालिक को जेल भेज दे, जो सुदर्शन के मालिक को चैनल को भेज दे? वो तो मेरी आत्मा की आवाज है, मेरे मन की आवाज है, मेरे हिंदुस्तान की आवाज है। और आवाज बंद करने का चलन अब चला गया क्योंकि मोदी सरकार है। तो मोदी सरकार भाग्य विधाता है, आपको कोई शक है? कोई शक है? मोदी जी नहीं आए होते तो क्या राम जन्मभूमि बन जाता है? योगी जी नहीं आए होते तो क्या ज्ञान बापी का मुद्दा उछल जाता? अगर योगी जी नहीं होते तो क्या मथुरा की बातें आज पटल पे हमारे सामने नहीं होती? क्यों है तो क्या 10 साल से क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बन पा रहा है? बन जाएगा बेट, बन जा 10 साल नहीं, किसी चीज को एक पेड़ को लगाने में 20 साल लगते हैं। आप पैदा होके आए, अभी तो मानसिकता कांग्रेस की है, जो आईजी हैं, डीआईजी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं। आपकी फेल्योर है सबसे बड़ी जी। गवर्नमेंट, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, बना देना चाहिए हिंदू राष्ट्र। जेल जाने वाले हैं कौन? एक मिनट, अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान भी पूरा इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन पाया। सुनिए, किसी चीज को बनाने में समय लगता है, मुंह से बक दिया हिंदू राष्ट्र बना दो, ऐसे नहीं। 10 साल कम है? 10 साल? अरे 70 साल में तो मेरा हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं। 1000 साल में, 1000 साल में हमारे बचेंगे नहीं। सुरेश चौहान के लोग कह रहे हैं, कौन कहता है? कौन कहता है? वो मेरा मान है, वो सुदर्शन चैनल मत समझना, वो भगवान कृष्ण का सुदर्शन है। ये हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है? है ना? है। सुदर्शन एक चैनल मत समझना, ये भगवान कृष्ण का सुदर्शन है, जब चलेगा तो बेधर्मियों के। बेधर्मी कौन? इन लोगों को कोई बता दो कि जब मीडिया से बात करे तो सोच समझ कर बात करे, क्योंकि अफगानिस्तान 2004 में इस्लामिक कंट्री है ये ऐलान कर दिया गया था। उसके बाद जब तालिबान सत्ता में आए तो 2021 को इस्लामिक इमारत ऑफ अफगानिस्तान का ऐलान कर दिया गया। यानी इन सबको ये मालूम होना चाहिए कि अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि इंडिया हिंदू राष्ट्र है। उसके बाद मीडिया ने सवाल किया कि अगर इंडिया हिंदू राष्ट्र है तो फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों है? पढ़े होगे ना स्कूल में, तो एक चीज क्लियर कर लो, आप हिंदू राष्ट्र में ही पैदा हुए थे और हिंदू राष्ट्र में ही रह रहे हो, उसके मांग की जरूरत नहीं है। फिर बनाने की मांग क्यों होती, यही तो मेरा सवाल है। किसने किया? आरएसएस कहती है 2025 तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो बात उनसे पूछो, एक औपचारिक घोषणा की आवश्यकता है जो होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू, लेकिन हिंदू राष्ट्र वो है। दोस्तों, आपने देखा कि इन भक्तों के पास और कोई जवाब नहीं है, तो ऐसे भक्तों के लिए आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।